फोर्स, फोर्स एंड पुशिंग क्या होता है? फोर्स, देयर आर फ्यू वर्ड्स दैट आर यूज इन यूज टू एक्सप्लेन सम एक्टिविटी लाइक पुलिंग, पुशिंग, किक, अटैक इटीसी. कह रहे हैं कई सारी एक्टिविटी के थ्रू हम क्या करते हैं, फोर्स की एक्टिविटी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज को पुल कर रहे हो, पुश कर रहे हो, या किक मार रहे हो, टेक कर रहे हो, इन तरह से हम क्या करते हैं, जब हम पुलिंग करते हैं किसी भी चीज को खींचते हैं तो क्या होता है, फोर्स लगती है. या आप किसी चीज को पुश कर रहे हो, पुश करने पर क्या होता है, पुश करने पर भी आपकी फोर्स लगती है, आपकी ताकत लगती है. दीज एक्टिविटीज क्रिएट अ डिफरेंस इन द मोमेंट इन द मोशन और क्रिएट डिफरेंस इन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये सभी एक्टिविटी, जब आप ये सभी एक्टिविटी करते हो तो क्या होता है, आपका जो मोशन होता है वो क्रिएट होता है. वी कैन वी यूज वन और मोर वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस एक्टिविटी. क्या हम कई सारे वर्ड का यूज कर सकते हैं इन एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए? एवरी वर्ब डिस्क्राइब अबव कैन बी कॉल्ड एज पुलिंग और पुशिंग. और हर एक वर्क, जो भी आप वर्क करोगे, ये डिस्क्राइब करेगा किसको, पुलिंग एंड पुशिंग को. कैन वी कंक्लूड दैट टू ब्रिंग थिंग्स इन मोशन वी कैन पुश इट और पुल. जब हम कंक्लूजन निकालते हैं किसी भी एक्टिविटी के बाद, जब हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आपको जो कंक्लूजन निकला उस एक्टिविटी में क्या हुआ था, पुशिंग एंड पुलिंग. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये दो पर्सन को देखोगे, ये क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, पुश करने पर इसे क्या करना पड़ रहा है, फोर्स लगानी पड़े, इसकी बॉडी मोशन कर रही है. ठीक है, द पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन आइटम्स इन साइंस इज नोन एज फोर्स. पुशिंग और पुलिंग जो है जाना जाता है किसके नाम से, फोर्स के नाम से. अज्यूम दैट अ पर्सन इज बिहाइंड द कार. कह रहा है अज्यूम करिए आप एक पर्सन खड़ा हुआ है, कहाँ खड़ा है, कार के पीछे. Does his presence have an effect on the motion? अगर कोई person car के पीछे खड़ा है, क्या उसको वो motion कर रहा है? अगर वो क्या कर रहा है, pushing कर रहा है, खींच रहा है, तो तब तो उसका motion होगा, क्योंकि उसे force लगानी पड़ेगी. Car start moving in the direction of movement. The person stop pushing the car. जब कोई पर्सन स्टॉप करता है, पुश करता है कार को, द मूवमेंट ऑफ द कार स्टॉप्स. कार का जो मूवमेंट होता है वो स्टॉप हो जाता है. टेक सम हैवी आइटम्स लाइक अ टेबल और बॉक्स, पुश इट मेकिंग इन मोशन. कह रहे कोई भी हैवी आइटम्स लीजिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी हैवी आइटम, फॉर एग्जाम्पल टेबल है आपके पास, जब आप टेबल को फोर्स लगाते हो, पुश करते हो, तो क्या होता है, आपका मोशन होता है. ठीक है, आपको फोर्स लगानी पड़ती है, ताकत लगानी पड़ती है, तब वो थोड़ा जाके पुश हो पाती है. जैसे आपको इस पिक्स में दिखाया गया है, जो दो बॉय हैं क्या कर रहे हैं, टेबल पर फोर्स लगा रहे हैं, पुशिंग रॉल इन द सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन. नो डाउन द मोशन ऑफ अ टेबल कैन standing
कुछ समय के लिए जो टेबल है ये मूव नहीं होगी। सिमिलर इधर भी दिखाया गया है कि दो टीम दी हुई है, दोनों क्या कर रहे हैं अपनी अपनी डायरेक्शन में रॉप को खींच रहे हैं, तो क्या होगा कुछ टाइम के लिए जो रॉप है रस्सी है वो क्या होगी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं होगी। लेकिन सडनली जिस डायरेक्शन से उसे ज्यादा फोर्स मिलेगी, जो लोग उसे ज्यादा पुल करेंगे उधर उस साइड वो चली जाती है। इफ टू फोर्सेस आर एक्सपेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन देन द टोटल फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द बोथ और द फोर्स। जब आपको दोनों साइड से सेम फोर्स मिल रही है तो जो रॉक होगी वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। लेकिन सडनली अगर आपको एक साइड से ज्यादा डायरेक्शन ज्यादा फोर्स मिल जाती है तो रॉक क्या होती है रस्सी क्या होती है वो उस साइड मूव कर जाती है।